लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए। मुंबई में कोरोना के कहर के बीच बीजेपी युवा नेता पांडुरंग आमले की एक पहल नागरिकों के लिए बड़ी राहत बन रही है। पांडुरंग आमले आजकल प्रभाग 76 की सभी सोसाइटियों में सैनिटाइजेशन करवा रहे हैं ताकि कोविड संक्रमण को फैलने से रोका जा सके। आज सानपाड़ा में एक सोसाइटी से इसकी शुरुआत की गई। बीजेपी विधायक मंदा मात्रे के मार्गदर्शन में सैनिटाइजेशन करवा रहे पांडुरंग आमले ने कहा कि कोविड संक्रमण के बीच जिस तरह नागरिक उपचार और औषधियों के लिए बेहाल हैं, ऐसे दौर में कोरोना को फैलने से रोकना और नागरिकों को जागरूक करना सबसे ज्यादा जरूरी है। देखिए रिपोर्ट। कोरोना की रफ्तार रोकने जहां नई मुंबई महानगर पालिका प्रयास कर रही है, वहीं सानपाड़ा प्रभाग 76 के बीजेपी युवा नेता पांडुरंग आमले भी नागरिकों की मदद के लिए आगे आ गए हैं। बेलापुर के विधायक मंदा मात्रे के मार्गदर्शन में आज उन्होंने सानपाड़ा की आदर्श, कोहिनूर और संकल्प नामक सोसाइटियों में फ्री सैनिटाइजेशन कराया ताकि कोरोना संक्रमण को फैलने से रोका जा सके। उन्होंने कहा कि आजकल कोविड महामारी के बीच मुंबई में उपचार और औषधियां कम पड़ने लगी हैं, ऐसे दौर में कोरोना को फैलने से रोकना सबसे ज़्यादा जरूरी उपाय है। पांडुरंग आमले ने नागरिकों से मास्क लगाने, मनपा द्वारा जारी निर्देशों और जरूरी सावधानियों का पालन करने का भी आह्वान किया। संपूर्ण महाराष्ट्र त्याचप्रमाणे आपल्या नवी मुंबईमध्ये कोरोनाची दुसरी महाभयंकर लाट आता सध्या आलेली आहे आणि या लाटेमध्येच गेली महिना झालेला आहे आपल्याकडे लॉकडाऊन जाहीर केलेला आहे। लॉकडाऊनचं कडेकोट पालन करावे, बाहेर जाताना मास्कचा वापर करावे, सोशल डिस्टन्सिंगचा मेंटेन ठेवावे व तसंच जर गरज नसेल तर घराबाहेर पडू नये आणि जर आपण घरात असताना वेळोवेळी दर 10 मिनिटांनी आपले हात स्वच्छ धुवावे आणि शक्यतो जर आपल्याला कुठे माहिती असेल तुमच्या बिल्डिंगमध्ये किंवा आसपास आपल्या कुठे कोरोना पेशंट असतील तर त्यांना त्याची माहिती तुम्ही महानगरपालिकेमध्ये द्यावी। त्याचप्रमाणे 18 ते 40 वयोगटामध्ये लसीकरण चालवलेलं आहे तर त्या अशा लोकांनी आपलं रजिस्ट्रेशन करून घ्यावे। तसेच 85 वरती जे लसीकरण आता मागे झालं आहे आणि आता सध्या चालू आहे यांचंही रजिस्ट्रेशन करून घ्यावे व लवकर लवकर आपण सर्व कोरोनामुक्त व्हावे हीच आमची इच्छा। जाहिर है सैनिटाइजेशन के जरिए प्रभाग 76 में कोरोना से बचाव में मदद मिल रही है। उन्होंने कहा कि स्थानीय सोसाइटियों ने उनसे सैनिटाइजेशन कराने की अपील की है। पांडुरंग आमले ने भरोसा दिलाया कि आने वाले दिनों में प्रभाग 76 की सभी सोसाइटियों और प्रमुख ठिकानों पर सैनिटाइजेशन कराया जाएगा। नागरिकों ने भी युवा नेता की इस कोरोना नियंत्रण पहल की सराहना की है। Thank you.
ब्यूरो रिपोर्ट, टीव्ही वन इंडिया।